हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर में मिठाई की दुकान में चोरी, खिड़की तोड़कर माल ले उड़े चोर। लॉकडाउन के दौरान पुलिस चुस्त दुरुस्त होने का दावा कर रही है, लेकिन बाड़मेर में हुई चोरी की एक घटना ने पुलिस के दावों की पोल पट्टी खोल कर रख दी है। दरअसल यहां चोरों ने एक मिठाई की दुकान की खिड़की तोड़कर हजारों के माल पर हाथ साफ कर दिया है। बाड़मेर में लॉकडाउन के दौरान भी चोरियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला सिंदरी चौराहे पर स्थित एक मिठाई की दुकान का है, जहां सोमवार रात को पीछे की खिड़की तोड़कर अज्ञात चोरों ने दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया और नकदी सहित माल पार कर दिया। वारदात की जानकारी मंगलवार दोपहर को लगी। जब दुकानदार दुकान में साफ सफाई के लिए पहुंचा, तो दुकान के हालात देखकर दंग रह गया, जिसके बाद उसने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना किया। हैरान करने वाली बात यह है कि मिठाई की इस दुकान के सामने कुछ ही दूर चौराहे पर 24 घंटे पुलिस की तैनाती रहती है। बावजूद इसके चोरों के बुलंद हौसलों के चलते चोरी की घटना को अंजाम दिया गया और पुलिस को इस बात की भनक तक नहीं लगी, जिसके बाद पुलिस की रात्रि गश्त पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। दरअसल बीते रात शहर के सिंदरी चौराहे स्थित एक मिठाई की दुकान के पीछे की खिड़की को तोड़कर चोरों ने अंदर प्रवेश किया। इसके बाद चोरों ने दुकान में रखे इन्वर्टर की बैटरी, बिलिंग मशीन, ओवन मशीन, गोदान बॉक्स और गले में रखे करीब 5-6 हजार की नकदी सहित करीब 60-70 हजार रुपए का माल लेकर फरार हो गए। इससे पहले चोरों ने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे को पूरी तरह से तोड़ फोड़ कर डाला, ताकि कोई भी सुराग ही ना बचे। पीड़ित दुकानदार ने बताया कि दुकान बंद पड़ी थी। जब वो दोपहर को दुकान में साफ सफाई के लिए आया, तो उसमें सामान बिखरा पड़ा था, जिसके बाद इसकी सूचना कोतवाली पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस ने मौका मुआयना किया। दुकानदार की ओर से दी गई रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई शुरू की गई है। जागरूक टीवी की बाड़मेर से टाकर राम मेघवाल की रिपोर्ट।